5 दिसंबर को काल भैरवाष्टमी पड़ रही है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को, जो भगवान शिव के रौद्र स्वरूप हैं काल भैरव, उनकी जयंती मनाई जाती है। कहते हैं कि काल भैरव भगवान शिव के क्रोध से उत्पन्न हुए थे। जब ब्रह्मा जी ने महादेव का अपमान किया तो उस समय ब्रह्मा जी का जो सिर क्रोध से जल रहा था, तो उस सिर को काटने के लिए भगवान शिव के त्रिनेत्र से प्रकट हुए काल भैरव जी। और फिर वही काल भैरव जी काशी के कोतवाल के रूप में विराजमान हुए। इस काल भैरवाष्टमी पर काल भैरव जी की उपासना करने से हमारे जीवन में कभी भी आकस्मिक घटनाएं नहीं घट सकती हैं। और हमारे ऊपर यदि किसी तंत्र मंत्र का प्रभाव कोई कर रहा है तो उसका प्रभाव भी समाप्त होता है, क्योंकि काल भैरव जी भगवान शिव के रौद्र स्वरूप हैं और जो तांत्रिक उपासनाएँ हैं उन सभी को काटने में वे सक्षम हैं। इसलिए काल भैरव अष्टमी जो है, इस दिन भगवान शिव के जो काल भैरव स्वरूप है उसकी उपासना की पद्धति ये है कि आप 108 बेलपत्र लेकर आएं और ओम नमः शिवाय कहते हुए महादेव को अर्पित करें, और सरसों का तेल जला करके शिवलिंग के समीप में स्थापित करें, जलेबी इत्यादि का भोग लगाएं और जितना हो सके ओम काल भैरवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहें। यदि श्रद्धा भक्ति पूर्वक इस विधि के अनुसार आप अष्टमी तिथि पर काल भैरव जी की उपासना करेंगे तो आपके ऊपर किसी भी तामसिक शक्तियों का और आकस्मिक घटनाओं का प्रभाव नहीं होगा।